तुम्हारे खाना हम खाने खाएंगे नहीं हम। ऐसा काय बोल रहे हो यार। गाइस इधर देख सकते हैं लवली कचौड़ी छान रही है गर्मा गर्म और निकाल लिया इधर सब्जी। तो आप सबको मैंने दिखाई दिया और लवली अपना बाल कवर कर ली क्योंकि बोली है कि मैं कैसे बनाऊंगी फटाफट, बना रही अपने जीजा जी के लिए, बोल रही कि वो खा के जाएंगे ड्यूटी, हमेशा ये सब नहीं बनता है कचौड़ी वगैरह, तो आज वो खा के जाएं क्योंकि डेली आप सबको देखने को मिल जाता है कि मैं दाल चावल सब्जी रोटी कुछ भी बनाती हूँ तो खिलाती हूँ, तो बोली कि आज कचौड़ी बना रहे, तो उनके कहने पर कचौड़ी बना रही तो वो खा के जाएँ। और इधर मटर पनीर बनाई बहुत टेस्टी लग रही है, इधर दूध रखा हुआ है, इधर बाबू के लिए कह रहे हैं कि पापा के लिए नमकीन निकाले थे लेकिन वो खाया नहीं, तो चलो उसको हटा देते हैं। और इधर कचौड़ी फटाफट छान रही है। गर्म लग रहा है लवली बहुत ज़्यादा, तो चलो कोई बात नहीं, लगना चाहिए। तो गाइस यहाँ देखिए सब मेरे लिए इतना जल्दी जल्दी हो रहा है, क्या बताएं, फटाफट लवली कचौड़ी खाना निकाल दे ताकि वो खा के जाएं, चले जाते हैं। चलो ठीक है, सोचा लवली ने इधर भी खा दो, ये बहुत सब्जी तो देखने में बहुत तेज़ लग रहा है यार। हाँ सब्जी बहुत अच्छा लग रहा है लवली, थैंक यू इतना प्यारा खाना बनाने के लिए, टेस्टी, वेलकम। देखो लवली भी काफी खूबसूरत लग रही है ड्रेस में, ब्लैक ड्रेस में, वन पीस मैंने सैलेड दे दिया, ठीक है, गुड गोइंग। तो देखिए ये रहा मेरा आज का खाना, सुला दिया है, सो रही हो, आप भी खा लो, सब लोग खा लो, आज साथ में खाते हैं ना आज, ठीक है, खा लो आप पहले। अच्छा गाइस मैं इनको खाना दे दी हूँ, इनका टाइम भी होने वाला है ड्यूटी जाने का, तो आज इनसे पूछते हैं खाना कैसे बना है साली के हाथ का। सब्जी तो टेस्टी बना है ना, बहुत टेस्टी, में तारीफ जितना कम है। अच्छा सच्ची, बस मजाक नहीं, चलो तो हम भी खा के ट्राई करते हैं। मुझे देखने में बहुत प्यारा लग रहा है सब्जी, कि आप लोग देख के ही थोड़ा गेस कर सकते हैं कि सब्जी देखने में अच्छा लग रहा है तो खाने में भी अच्छा होगा, तो चलिए हम भी खा के बताते हैं। और लवली लवली अब बस करो, लवली बोल रहे हैं बस करो, अब थोड़ा सा बंद कर दो, खा पी लो, फिर बाकी का जो काम रहेगा बाद में हम लोग कर लेंगे, लवली बस करो। तो ये फटाफट खाया जा रहा है, मुझे खिलाया भी नहीं खिलाया, मुझे टेस्ट कराया, सच में सब्जी बहुत अच्छी बनी है, खाना बहुत अच्छी बनी है। और कुछ लाए तुमसे अच्छा तो खाना लवली बना दिया, तुम्हारा खाना हम खाने खाएंगे नहीं हम। ऐसा क्या बोल रहे हो यार, हम खाना अच्छा नहीं बनाते, यही ये देख लो। अच्छा एक बार टेस्ट करो, दिखाओ, तुमसे अच्छा रहो बताना, तुम बताओ कैसा है, तुमसे तो बहुत अच्छा लवली खाना बनाया है। हो जाता है कभी कभी हाथ है, कभी मेरे हाथ से बहुत अच्छा बन जाता है, कभी बहुत खराब बन जाता है। अब मैं तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा भाई, सच्ची सोच लो क्या बोलो, लवली ज्यादा दिन नहीं रहेगी। अभी मजाक कर रहे हैं आप दोनों, अच्छा खाना बनाते हैं आप। क्योंकि पता है लवली ज्यादा दिन नहीं रहेगी तो मैं ही बना के खिलाऊंगी, तो आपको अच्छा बनाए या खराब खाना पड़ेगा, आप ऐसा बोल रहे हो कि मेरे हाथ का खराब कोई नहीं बनाते, दोनों अच्छा बनाते, तो मैं मजाक कर रहा था। ऐसे कौन बोलता है यार कि अब तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाएंगे, तो चलो खा लो। और काफी चटपटा है, पहले पानी भी, पानी लाया आपके लिए, मेरी आदत ना बहुत ख़राब है, पता है हम खाना दे देते हैं पानी भूल जाते हैं, जब मैं खाना बनाती हूँ निकालती हूँ ना तो इनको खाना पानी दोनों देती हूँ, और जब लवली बनाती है तो मैं बस खाना निकाल के वो दे देती हूँ, मैं खाना पहुँचा देती हूँ और पानी देना भूल जाती हूँ, तो चलो पानी उनको दे देती हूँ। ए पापा जा रहे थे तो लगी रोने पापा के पास जाने के लिए, चलो चलो आओ पापा जा रहे, ड्यूटी दिन भर रहती हूँ पापा के पास, थकती नहीं है। हाँ बंद करो, बंद करो पूरा, फिर टीवी चल रहा है, मैंने बोला बंद करो क्योंकि आवाज़ नहीं सुनाई देगा। बाबू बाबू हाँ जाओ, छोड़ दो जाओ, नाचे रे मोर पंख फैला कर गीत सुनाए, आओ आओ भैया, बाबू इधर आ जाओ, मम्मा के पास आओ, जा बेटा जा, आओ पापा जा रहे हैं, जा आओ आओ आओ, देखो नहीं आएगी, देखो भाग गई। तो पापा इनके जा रहे हैं ड्यूटी क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है और ड्यूटी से कॉल भी आ रहा है, तो चलिए। पति देव से मैंने लड्डू बोला था लाने के लिए और ये मोती चूर वाली लड्डू लाए हैं, बूंदी की लड्डू मुझे बहुत पसंद है, तो काफ़ी टाइम हो गया था खाए, मतलब कई महीने हो गए थे, तो मैंने बोला कि आप लाइए हम भी खा लेते हैं, इस खुशी के माहौल में बर्थडे मेरा तो खा लेते हैं, कुछ मीठा हो जाए, केक तो ऐसे ही पता है आप सबको मीठा होता है अच्छा होता है, तो केक लवली खा रही है, चलो खा ले, क्योंकि पता है मैं ज़्यादा केक, पहले बहुत ज़्यादा शौकीन थी केक की, अब नहीं हूँ। अब बाबू इधर देख रही है कि मौसी खा रही है, हम भी जाते हैं खाएंगे, तो चलिए।
गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गया है। सुबह के घड़ी में बज रहे हैं 11 और सुबह सुबह नहा के फ्रेश होके हम आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं, थोड़ा सा कंघी करेंगे, फिर खाना बनाएंगे। अच्छा बेटू हमारी देखिए खड़ी हो रही है, बेटू भी हमारी नहा लिए दिखा रही है कि मम्मा मेरे बारे में भी कुछ बोल दो, मैं भी तो नहा के फ्रेश होके आ चुकी हूँ, बोल दो बेटा थोड़ा सा। आज मैंने पहन रखा है इनके पापा का टी शर्ट, क्योंकि बाकी तो कपड़ा मुझे मैं फोल्ड करके रख दी हूँ ना, और कुछ कपड़े इनका जैसे पहन के ये ड्यूटी जाते हैं, जो कोई कोई कपड़ा, क्योंकि आप सबको पता है ये वहाँ पे जाके अपना यूनिफॉर्म चेंज कर लेते हैं। इनका यूनिफॉर्म है, रेड शर्ट है, ब्लैक शर्ट है, तो चेंज कर लेते हैं। तो मैं कभी आयरन कर देती हूँ, कभी नहीं भी करती हूँ, जो मतलब ज़्यादा ज़रूरी रहता है वही करती हूँ, सब नहीं करती हूँ। तो बेटू मेरी बोल रही मम्मा मुझे भी दिखाओ, देखो दांत, देखो मस्ती कर रही है। बाबू अपना दांत दिखा दो, ऊपर वाला थोड़ा सा चूहिया वाला, चूहिया वाला दांत दिखा दो सबको। तो मेरे बाबू को ना दो दांत आए हैं, दिखा दो थोड़ा सा ऊपर वाला, दिखा दो। अच्छा थोड़ा सा ऊपर वाला, ये देखिए एक दांत दिख गया। नहीं कैमरा नहीं, फ़ोन नहीं मिलेगा बेटू, फ़ोन नहीं मिलेगा। तो बाबू फ़ोन बहुत छीनती है लेने के लिए, तो इधर देख भी रही है मम्मा क्या बोल रही है। तो चलते हैं, लवली भी अपना सुबह उठी, झाड़ू पोछा कर ली, और अभी बोल ली जा रहे हैं दीदी खाना बनाने, क्या बनाया, बोले कुछ भी बना दो। इनके पापा भी गए नीचे सामान लाने, बोले कि आज लवली के हाथ का खाएंगे दाल चावल। तुम्हारे हाथ का हम बहुत बार खा चुके हैं, हम बोले हाँ अब तो आप ऐसे बोलोगे कि मेरे हाथ का नहीं खाना है, लवली के हाथ का खाना होता है कभी कभी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप एक ही हाथ का खाते खाते इंसान थोड़ा सा हो जाता है, बोर हो जाता है, या एक ही हाथ का खाते खाते थोड़ा सा उब जाता है। तो हम भी बोले इनको, हम बोले ठीक है, हम भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऐसा लगता है कि यार मैं भी खा के अपने हाथ से बोर हो गई हूँ, तो लवली बनाए। तो बोले लवली बोली ठीक है दाल चावल बना देते हैं, भुजिया बना देते हैं। बोले कोई बात नहीं बना दो, अच्छा लगेगा। बाबू गिर जाएगी, इतना मस्ती करते हो और गिर जाओगी तो चोट लग जाएगा ना। पकड़ के खड़ी हो रही है, बेटू बेटू बेटू। तो गाइस कल जो बेटू मेरी ड्रेस पहनी थी बर्थडे वाले दिन, कल हमारा बर्थडे था, तो ये दूसरे दिन का ब्लॉग है, यानी आज है 10 जून, कल 9 जून था, आज 10 जून है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे बेटू जो ड्रेस पहनी बहुत प्यारा लग रहा है। मेरी फ्रेंड का भी फ़ोन आया था, वो भी बोली कल अविका बहुत प्यारी लग रही थी जो ड्रेस पहनी थी वन पीस। तो हम बोले हाँ प्यारी लग रही थी, अगर बाल होता तो और भी प्यारी लगती, तो चलो कोई बात नहीं, बाल है वो तो घर की खेती है, आती रहेगी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे, और ब्लॉग को अपने करते हैं यहीं पे समाप्त। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और गाइस एक बात और है कि मेरा 16 तारीख को हमारा एनिवर्सरी है, तो आप लोग बताइएगा हम लोग कहाँ से सेलिब्रेट करें, कहाँ से ना करें, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, कमेंट आई थी कि मैं क्या इसमें बोलूं, नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी क्या कमेंट आया था और क्या चीज़ें, मैं उसका जवाब भी दूंगी लेकिन इसमें नहीं, अगले ब्लॉग में दूंगी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि मैं कहाँ से सेलिब्रेट करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ ना जाऊं, और कौन सा ड्रेस पहनूं, ड्रेस को लेकर जरूर बोलिएगा, क्योंकि लड़कियों का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना उनका कपड़ा, कि वो क्या पहने, कैसे तैयार होए, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कच्चे नेक्स्ट वीडियो में।